लालची बिल्ली और मीठे की कहानी। एक घने जंगल में तीन अच्छे दोस्त रहते थे, बंदर, चूहा और बिल्ली। तीनों दोस्त बहुत मस्ती करते और एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन बंदर को एक नई मिठाई बनाने का विचार आया। उसने चूहे और बिल्ली को अपने इस विचार के बारे में बताया। तीनों ने मिलकर मिठाई बनाने की योजना बनाई। बंदर ने कहा, हम सब मिलकर कुछ बहुत ही स्वादिष्ट बनाते हैं। चूहे ने खुशी से कहा, ये तो बहुत अच्छा विचार है, मैं आटा और चीनी ले आता हूँ। बिल्ली ने भी अपनी सहमति जताई, और मैं दूध और घी ले आती हूँ। तीनों ने मिलकर सारे सामान जुटा लिए और मिठाई बनाने का काम शुरू कर दिया। बंदर ने आटे को घी में भूनना शुरू किया, चूहे ने चीनी को दूध में घोल दिया और बिल्ली ने उनके कामों में मदद की। जैसे ही मिठाई बनकर तैयार हुई, उसकी खुशबू पूरे जंगल में फैल गई। सभी के मुंह में पानी आ गया, लेकिन बिल्ली के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, यह मिठाई बहुत स्वादिष्ट लग रही है, मुझे इसे अकेले ही खा लेना चाहिए। बिल्ली ने चालाकी से कहा, अरे मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है, मैं अभी आती हूँ। और वह वहाँ से चली गई। बंदर और चूहा उसके जाने के बाद भी मिठाई को ठंडा करने में लगे रहे। कुछ देर बाद बिल्ली ने अपने लालच को पूरा करने का तरीका सोचा। वह चुपके से वापस आई और मिठाई को धीरे धीरे खाने लगी, लेकिन उसकी चालाकी काम नहीं आई। बंदर ने उसे देख लिया और चूहे को भी बुला लिया। बंदर ने गुस्से में कहा, बिल्ली, तुमने हमारी मेहनत की मिठाई चुराकर खाने की कोशिश की, यह गलत है। चूहे ने भी अपनी नाराजगी जताई, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें मिलकर सब कुछ बांटना चाहिए। बिल्ली को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने शर्मिंदा होकर कहा, मुझे माफ कर दो दोस्तों, मैं लालच में आकर अपनी मर्यादा भूल गई। अब मैं वादा करती हूँ कि आगे से ऐसा नहीं करूँगी। बंदर और चूहे ने उसे माफ कर दिया। उन्होंने बाकी बची मिठाई को मिलकर खाया और फिर से दोस्ती को मजबूत किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है और हमें हमेशा मिलजुल कर काम करना चाहिए। गांव के बाहर एक घना जंगल था जिसमें बहुत से जानवर रहते थे। एक दिन वहां एक अजनबी आदमी आया। वह आदमी गांव के लोगों से कहता था कि उसने जंगल में छिपा खजाना देखा है। गांव के लोग पहले तो उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी बातें सुनने के बाद उनमें उत्सुकता बढ़ने लगी। एक रात गांव के सबसे बहादुर युवक रमेश ने खजाने की तलाश में जाने का फैसला किया। उसने अपने दोस्तों को भी साथ चलने को कहा, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। आखिरकार रमेश अकेला ही जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में घुसते ही रमेश को अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। अचानक उसे झाड़ियों के पीछे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। जब उसने पास जाकर देखा तो वह एक सुनहरी तलवार थी। रमेश ने तलवार को उठाया तो उसे महसूस हुआ कि यह साधारण तलवार नहीं है। तभी एक बूढ़ा आदमी वहां प्रकट हुआ और बोला, यह तलवार तुम्हें खजाने तक पहुंचाने में मदद करेगी। रमेश ने उस बूढ़े आदमी का धन्यवाद किया और आगे बढ़ा। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक गुफा दिखी। गुफा के बाहर एक पत्थर पर लिखा था, यहाँ केवल वही प्रवेश कर सकता है जिसके दिल में सच्चाई और साहस है। रमेश ने गहरी सांस ली और गुफा के अंदर प्रवेश कर गया। गुफा के अंदर अंधेरा था, पर अचानक उसकी तलवार चमकने लगी जिससे रास्ता साफ दिखाई देने लगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे दीवारों पर अजीब सी आकृतियाँ दिखाई देने लगी। वह आकृतियाँ जैसे जीवंत हो उठी और रमेश को डराने लगी। डंडा पर रमेश ने हार नहीं मानी और आगे बढ़ता गया।
अचानक उसे एक विशालकाय दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर एक पहेली लिखी थी, जिसने सत्य का पालन किया वही इस दरवाजे को खोल सकता है। रमेश ने पूरी ईमानदारी से उत्तर दिया और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर पहुंचने पर रमेश को एक विशाल कमरा दिखा जिसमें ढेर सारे सोने और हीरे थे, लेकिन तभी उसकी नजर एक छोटे से कागज पर पड़ी। उस पर लिखा था, सच्चा खजाना सोने और हीरे में नहीं बल्कि ईमानदारी और साहस में है। रमेश ने खजाना नहीं लिया बल्कि उस सीख को अपनाया। गांव लौटकर उसने सबको अपनी कहानी सुनाई और गांव के लोग समझ गए कि सच्चा खजाना वास्तव में क्या है। इस तरह रमेश ने अपनी ईमानदारी और साहस से सबको एक महत्वपूर्ण सीख दी। बुद्धिमान खरगोश और गर्विष्ठ शेर। बहुत समय पहले की बात है, एक घने जंगल में एक गर्विष्ठ शेर रहता था। वह इतना ताकतवर था कि जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे। शेर हर दिन एक जानवर को पकड़कर खा जाता था। जंगल के जानवर इस अत्याचार से बहुत परेशान थे। अंततः सभी जानवर एकत्र हुए और शेर के पास गए। उन्होंने विनम्रता से कहा, महाराज, हम आपको रोज एक जानवर भेंट करेंगे, कृपया हमें बेवजह न मारें। शेर ने सोचा और कहा, ठीक है, लेकिन यदि किसी दिन कोई जानवर नहीं आया तो मैं सभी को मार दूंगा। सभी जानवर डरते डरते सहमत हो गए। एक दिन यह बारी एक छोटे खरगोश की आई। खरगोश ने सोचा, यदि मैं शेर के पास गया तो मुझे मार दिया जाएगा, मुझे कुछ सोचना होगा। खरगोश बहुत बुद्धिमान था। उसने एक योजना बनाई और धीरे धीरे शेर के पास पहुंचा। शेर गुस्से में था क्योंकि खरगोश देर से आया था। उसने गरज कर पूछा, तुम इतनी देर से क्यों आए? खरगोश ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं समय पर आ रहा था, लेकिन रास्ते में मुझे एक और शेर मिला। वह भी बहुत ताकतवर है। उसने मुझे रोक लिया और कहा कि यह जंगल उसका है। उसने मुझे बड़ी मुश्किल से छोड़ा है। शेर को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, कौन है वह दुस्साहसी शेर? मुझे ले चलो उसके पास, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। खरगोश ने शेर को एक गहरे कुएं के पास ले जाकर कहा, महाराज, वह शेर इसी कुएं में है। शेर ने गुस्से में कुएं में झांका। उसे अपनी ही परछाई दिखी। उसने सोचा, यह वही शेर है जो मुझे चुनौती दे रहा है। क्रोध में शेर ने कुएं में छलांग लगा दी और डूबकर मर गया। खरगोश ने खुशी से कहा, अब जंगल के सभी जानवर सुरक्षित हैं। सभी जानवरों ने खरगोश की प्रशंसा की और उसकी बुद्धिमानी की कहानी जंगल भर में फैल गई। इस प्रकार खरगोश ने अपनी चतुराई से न केवल अपनी जान बचाई बल्कि पूरे जंगल को गर्विष्ठ शेर के आतंक से मुक्त किया।